जय हिंद दोस्तों, क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी में संडे के दिन छुट्टी होती है? तो इसका आंसर है हाँ, संडे के दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में छुट्टी होती है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी वो जगह है जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेज में कमीशन किया जाता है। लेकिन संडे के दिन जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की हॉलीडे होती है वो मिलिट्री स्टाइल में होती है, हमारी तरह नॉर्मल हॉलीडेज वहां पर नहीं होती है। तो आइए जान लेते हैं एक संडे के दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या होता है। सबसे पहले तो हर संडे के दिन हर एक कैडेट को हेयर कट लेना मैंडेटरी है और ये हेयर कट मिलिट्री हेयर कट होता है। अगर कोई कैडेट हेयर कट नहीं लेता है तो आने वाले हफ्ते में उसे पनिश किया जाता है। हेयर कट लेने के बाद डे टाइम में कैडेट्स लिबर्टी के लिए जा सकते हैं। लिबर्टी यानी कि लोकल सिटी मार्केट में वो घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी का डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। बाहर जाकर के किसी भी तरह के बदतमीजी या फिर रोड रेज में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो एनडीए में वापस आते ही रगड़ा शुरू हो जाता है, पनिशमेंट शुरू हो जाता है। बाहर जाने के बाद भी कैडेट को कैडेट की तरह ही एक्ट करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद कैडेट्स के नाम पे आए हुए चिट्ठी उनको दिया जाता है। कैडेट अगर कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो वो उनसे लिया जाता है। हालांकि ये चीज आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि अब मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, लेकिन जब एनडीए में मोबाइल फोन्स का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था उस वक्त पर संडे के दिन लेटर्स को दिया जाता था और कैडेट से लिया जाता था। घर वालों की और गर्लफ्रेंड की लेटर पढ़ के नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट संडे के दिन खुश हो जाता था। संडे के दिन उन्हें अलग से वक्त भी दिया जाता था लेटर्स लिखने के लिए। संडे के दिन हर एक कैडेट कैंटीन में भी जा सकते हैं। कोई भी चीज जो अनकुक्ड ही खाया जा सकता है उस तरह की छोटी मोटी चीज एक सर्टन मात्रा तक एनडीए कैडेट अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। एनडीए में संडे के लिए हर एक कैडेट वेट करता है क्योंकि इस दिन उन्हें अपने मोबाइल्स दिए जाते हैं, लेकिन वो कोई मल्टीमीडिया फोन नहीं होता है, नॉर्मल कीपैड वाला फोन होता है जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है। ये मोबाइल उन्हें कॉल्स और मैसेजेस करने के लिए दिए जाते हैं, किसी भी तरह का सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट यूज करने के लिए नहीं। इनफैक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी में सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज करना भी बैन है। अगर कोई कैडेट सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी पनिशमेंट बड़े भारी लेवल पर होती है। संडे के दिन अपने पर्सनल टाइम में एक टाइम ऐसा भी होता है जब कैडेट को अपने वेपन्स को क्लीन करना होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में वेपन्स को कई तरह के एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, पानी के अंदर, मॉइस्चर वाले सिचुएशन में, तो वेपन्स में जो गंदगी जमा होती है हर संडे उसे क्लीन करना होता है। अगर किसी का वेपन आने वाले हफ्ते में गंदा दिखता है तो उसकी पनिशमेंट उसे दी जाएगी। और संडे के दिन ये सारे कारनामे करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के हर एक कैडेट सिर्फ नींद लेता है। संडे के दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी के हर एक कैडेट का एक पर्सनल दिन होता है, अपने पर्सनल केयर वो कर सकता है, अपने लोगों से वो बात कर सकता है, हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग से ब्रेक मिल जाता है और बाहरी दुनिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन उसके बाद मंडे से फिर वही ट्रेनिंग, कोई मोबाइल नहीं है, कोई आउटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट को जब इंडियन आर्मी में कमीशन किया जाता है तो वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक से ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पिछले 3 साल से एनडीए में और 1 साल से आईएमए में हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान वो एक आम इंसान से एक आर्मी ऑफिसर बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड डिफेंस इंडियन डिफेंस का ये ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।